गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले ही टॉपिक पेनल एप्लीकेशन के कंप्लीट क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को प्रेशियस नोबल और परफेक्ट इन्होंने एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इन्वेस्ट की 60,000, 50,000 और 30,000 रुपीज़। परफेक्ट ने फर्म को 10,000 रुपीज़ का लोन भी प्रोवाइड किया 1 अक्टूबर 2019 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को ये चीज़ें अलाउड थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी प्रोवाइड करनी थी पार्टनर्स को 6% के रेट से। हर पार्टनर ने 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के लास्ट में 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं एंड ऑफ क्वार्टर। दो वर्किंग पार्टनर्स हैं नोबल एंड प्रेशियस और उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है 200 और 300 रुपीज़ पर मंथ की। लोन जो पार्टनर ने गिविन दिया है उस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करनी है। और आगे कह रहा है कि नोबल की कोई बिल्डिंग है जो उसमें बिजनेस रन करता है और उसका वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट चार्ज करता है बिल्डिंग का, और ये चेक से पे किया जाता है। जो भी फर्म को प्रॉफिट अर्न होगा उसमें से 70,000 रुपीज़ को तो 4:2:1 में डिवाइड किया जाएगा, और 70,000 से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो फर्म का प्रॉफिट था एंड ऑफ द ईयर वो 1,35,000 रुपीज़ का था। हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल बनानी है, ये एज्यूम करते हुए कि कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो इसका मतलब है कि पार्टनर का करंट अकाउंट भी मेंटेन किया जाएगा। तो इसको देखिए मैंने सॉल्व किया है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो ये हम बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय पी एंड एल 1,35,000। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें तीन रेवेन्यू आइटम लेस होते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और मैनेजर कमीशन। तो यहाँ पे दो आइटम गिवन है, एक तो रेंट ऑफ पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। 2,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट लेता है नोबल, और तो पूरे ईयर में जो रेंट हो जाएगा वो 24,000 हो जाएगा। तो हमने रेंट टू नोबल में के नाम से 135 में 24,000 का रेंट माइनस किया तो बैलेंसिंग अमाउंट बच गया 1,11,000। इसके अलावा जो परफेक्ट था उसने 10,000 रुपीज़ का लोन 1 अक्टूबर को दिया था, तो 10,000 के लोन पर 6% की इंटरेस्ट लेकिन 6 मंथ की, ये अमाउंट हो जाएगा 300 रुपीज़। तो ये 300 भी 1,11,000 में माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी 1,10,700 रुपीज़। अब हमें इंटरेस्ट देनी है कैपिटल पर, तीनों की जो कैपिटल है वो 60,000, 50,000 और 40,000 की है। तो प्रेशियस की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% के रेट से 60,000 पे 3,600, नोबल की 50,000 है, 50,000 का 6% 3,000 और परफेक्ट की 30,000 का 6% 1,800, यानी तीनों की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है 8,400 रुपीज़। सैलरी प्रेशियस और नोबल को प्रोवाइड करनी है, प्रेशियस को 200 रुपीज़ पर मंथ के रेट से फुल ईयर की 2,400 और नोबल को 300 रुपीज़ पर मंथ के रेट से फुल ईयर की 3,600, यानी टोटल सैलरी हो जाती है 6,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग प्रोवाइड करनी है, तो उसी कैलकुलेशन मैंने यहाँ की है कि हर पार्टनर की ड्रॉइंग 4,000 रुपीज़ पर क्वार्टर है। मैंने आपको इस ड्रॉइंग वाली वीडियो में बताया था कि एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो एनुअल ड्रॉइंग हो जाएगी 4,000 × 4 यानी 16,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट लगानी है 16,000 पे 6%। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एंड ऑफ क्वार्टर, और एंड ऑफ क्वार्टर में 4.5 मंथ की लगती है। ये कैसे आया था आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। 4.5 मंथ की अगर हम इसकी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 16,000 पे 6% के रेट से, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी वो 360 रुपीज़ हो जाएगी तीनों पार्टनर्स की, जिसे हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रेशियस की 360, नोबल की 360 और परफेक्ट की भी 360, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी 1,080 रुपीज़। अब हम बैलेंस निकालेंगे, 1,10,700 रुपीज़ और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,080 मिला के 1,11,780 रुपीज़, और इस 1,11,780 रुपीज़ में से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा 97,380। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसकी भी कैलकुलेशन देख लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है 97,380। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000 रुपीज़ इस प्रॉफिट में से 70,000 को 4:2:1 में डिवाइड करना है,
70,000 का 4/7, 70,000 का 2/7, 70,000 का 1/7, यानी 40,000 प्रेशियस का शेयर, 20,000 नोबल का शेयर और 10,000 परफेक्ट का शेयर। अब 97,380 में से हमने 70,000 को तो इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? तो यानी 97,380 में से 70,000 ये माइनस किए तो 27,380, और इससे हमें डिवाइड करना है इक्वली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 27,380 को इक्वल यानी 1/3 के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तीन पार्टनर में, तो 9,126 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी प्रेशियस को 70 में से 40 मिले और इक्वल शेयर में से 9,127, मैंने राउंड फिगर कर लिया, तो टोटल प्रॉफिट में शेयर हो गया 49,127। नोबल को 70 में से 20 मिले और इक्वल शेयर से 9,127, तो ये 29,127 हो गया। और परफेक्ट को 10,000 रुपीज़ 70 में से मिले और इक्वल शेयर 9,126, तो टोटल 19,126 हो गया। तो ये तरीका है हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो क्वेश्चन ने इंडिकेट किया है, और यही प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रेशियस 49,127, नोबल 29,127, परफेक्ट 19,126। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर कैपिटल बनाना है, और ये एज्यूम करते हुए कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स है तो केवल पार्टनर कैपिटल में केवल कैपिटल आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से जो उनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, 60,000 प्रेशियस की, 50,000 नोबल की और परफेक्ट की 30,000। इसके अलावा इसमें कोई अभी आइटम नहीं आना है, यही टोटल लगा के बैलेंस निकाल देंगे, तो यही टू बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस मेंशन हो जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हैं फॉर्मेट। अब पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स को फर्म से जो जो मिला है, जैसे प्रेशियस को मिली है और इन तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 3,600 प्रेशियस की, नोबल की 3,000 और 1,800 परफेक्ट की। सैलरी केवल दो पार्टनर को मिली है, प्रेशियस और नोबल, प्रेशियस को 2,400 रुपीस पर मंथ के रेट से और इसको 300 के रेट से 3,600। और पी एंड एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट निकाला था हमने ये वाला, इसको हमने यहाँ बाय पी एंड एप्रोप्रिएशन के नाम से दे देंगे 49,127, 29,127, 19,126। अब ड्रॉइंग आएगी डेबिट साइड में, 4,000 रुपये पर मंथ पर क्वार्टर के रेट से ड्रॉइंग दोनों तीनों पार्टनर की 16,000, और इस पे जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाई थी ये वाली अमाउंट की, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम 360। अब बैलेंसिंग करनी है, प्रेशियस का जो टोटल है वो 55,127 है, उसमें से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 38,767। इसका टोटल है 35,727 और इसमें से ये दोनों एक्सपेंस माइनस करेंगे 19,367। इसका टोटल 20,926 है, इसमें से ये दोनों एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 4,566 रुपीज़ आएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है।